हस्तांतरण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। दरअसल बात करें हम तो चिसायर होम रोड जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री का यह पूरा मामला है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें आपको चिसायर होम रोड जमीन की अवैध तरीके से खरीद और बिक्री का पूरा मामला है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। झारखंड हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। बड़ी खबर राजधानी रांची से। बता दें आपको कि पूर्व उपायुक्त छवि रंजन पर ईडी की गाज गिरी थी और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामला का फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां जमानत याचिका पर सुनवाई हुई छवि रंजन की और मामला सुरक्षित रख लिया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बरियाती स्थित चिसायर होम वाली जमीन को लेकर जो है फैसला आया है। उस मामले पर छवि जो रंजन है, जो पूर्व डीसी है, उनको भी आरोपी बनाया गया है, तो उनकी जमानत याचिका उन्होंने लगाई थी। वहीं उस जमानत याचिका पर सुनवाई दोनों पक्षों से जो है वो बहस पूरी हो गई है। अब जो है पूरा मामला जो है झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका उन्होंने लगाई थी, अब दोनों पक्षों के बहस पूरे हो गए। अब अगली जो तारीख होगी उस तारीख पर जो है इनके जमानत पर फैसला आएगा, क्योंकि बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है। तो अब देखना होगा कि उस आदेश में क्या कुछ लिखा गया, लेकिन जो संभावनाएं आ रही हैं कि जिस तरीके से अब तक हाईकोर्ट से या अब तक किसी भी आरोपी को ईडी की तरफ से जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें से किसी को भी अब तक जमानत नहीं मिली है, विष्णु अग्रवाल को छोड़ देती तो ऐसे में छवि रंजन की भी जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही जमानत के लिए। हालांकि अब देखना होगा कि न्यायालय के फैसले में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि न्यायालय के वक्तव्य में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर फैसले आते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों पक्षों में बहस हुई वो कहीं ना कहीं ईडी ने भी अपना पक्ष रखा कि क्यों उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए झारखंड हाईकोर्ट में छवि रंजन के अधिवक्ता के, तो उन्होंने भी अपने पॉइंट रखे कि छवि रंजन को लंबे समय से जेल में बंद है, उनको बेल जमानत मिल जानी चाहिए। तो इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जी जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि राजधानी रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने जहां चिसायर होम रोड जमीन की अवैध तरीके से खरीद और बिक्री का पूरा मामला है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। झारखंड हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और पूरे मामले की जानकारी हमारे सहयोगी चित्रंजन दे रहे थे। राजधानी रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, चिसायर होम रोड जमीन की अवैध तरीके से खरीद और बिक्री का पूरा मामला है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। झारखंड हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजधानी रांची से बड़ी खबर, पूर्व उपायुक्त छवि रंजन पर ईडी की गाज गिरी थी 2000 अगर हम बात करें 22 की, उसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है और इसी बीच उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई भी होती है और मामले में जो फैसला सुनाया जाता है उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है झारखंड हाईकोर्ट की ओर से। राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।